दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड इंटर में 80.15% छात्र हुए सफल। कॉमर्स में पटना के अंकित कुमार गुप्ता बने स्टेट टॉपर। जी हां, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने तीनों संकाय का रिजल्ट जारी किया है। 13,25,749 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमे 10,62,557 परीक्षार्थी पास हुए हैं। परीक्षा के 29 दिनों बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कल रिजल्ट जारी किया है। इंटर परीक्षा में 80.15% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है। वही आर्ट्स में 79.53% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। आर्ट्स में गोपालगंज के संगम राज टॉपर बने हैं, जबकि साइंस में नवादा के सौरभ कुमार और कॉमर्स में पटना के अंकित कुमार टॉपर बने हैं। सबसे पहले आर्ट्स की बात करें तो पहले स्थान पर संगम राज जो गोपालगंज से है, दूसरे नंबर पर श्रेया कुमारी जो कटिहार से है, वही तीसरे नंबर पर रितिका रत्ना जो मधेपुरा से है। कॉमर्स की बात करें तो पहले स्थान पर अंकित कुमार गुप्ता जो पटना से है, दूसरे नंबर पर विनीत सिन्हा जो नवादा से है, वहीं तीसरे नंबर पर पीयूष कुमार जो पटना से है। और साइंस की बात करें तो पहले स्थान पर सौरभ कुमार जो नवादा से है, दूसरे नंबर पर अर्जुन कुमार जो औरंगाबाद से है, वहीं तीसरे नंबर पर राज रंजन जो पूर्वी चंपारण से है। अगली बड़ी खबर, इंटर्स के टॉपर्स में बेटे और ओवरऑल में बेटियां आगे। टॉप 5 के 29 स्टूडेंट में 21 लड़के, ओवरऑल में 82.39% लड़कियां और 78.04% लड़के पास। जी बिहार बोर्ड की ओर से जारी इंटर के रिजल्ट में इस बार टॉपर की लिस्ट में बेटों का जलवा रहा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पहले स्थान पर इस बार लड़कों ने कब्जा जमाया है। वही राज्य में 482 अंक और 96.4% अंक के साथ संगम राज्य भर में ओवरऑल टॉपर रहे। बात करें ओवरऑल टॉप 5 में इस बार कुल 29 बच्चे शामिल हुए हैं, इसमें 21 लड़के और 8 लड़कियां हैं। आर्ट्स के टॉप 5 में शामिल कुल 6 बच्चों में 4 लड़कियां हैं, जबकि कॉमर्स के टॉप 5 में 10 बच्चे जगह बनाने में कायम हुए हैं, इसे मात्र 2 लड़कियां हैं। वहीं साइंस के टॉप 5 में 13 बच्चे शामिल हुए हैं, इनमें 11 लड़के हैं। वहीं ओवरऑल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। इंटर की परीक्षा में इस बार कुल 13,25,749 स्टूडेंट शामिल हुए थे, इनमें 6,83,920 व 6,41,829 छात्राएं थी। इनमें लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 82.39% और लड़कों का पासिंग परसेंटेज 78.04% रहा है। अगली बड़ी खबर, तीनों संकाय के टॉप 3 स्टूडेंट हो गए सम्मानित, मिलेगा 1,00,000 व लैपटॉप। जहां इंटर 2022 आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के टॉपर को बिहार बोर्ड सम्मानित करेगा। प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 1,00,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई बुक रीडर। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 75,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई बुक रीडर। वहीं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 50,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में इंटर पास करने वाले 5,00,000 बच्चों को सरकार देगी 25,000 रुपये। जहां बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को इंटर परीक्षा जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। लड़कियों में शिक्षा हासिल करने के प्रति तेजी से रुझान है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करने वाले सभी लड़कियों को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आपको बता दें कि ऐसी छात्राओं की संख्या लगभग 5,00,000 है। बिहार में इस बार 6,41,829 छात्राओं ने इंटर की परीक्षा दी थी, जिनमें से 82% से अधिक पास हुई है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट ने बनाया रिकॉर्ड, देश में सबसे पहले परिणाम आया, एग्जाम के 29 दिन बाद ही घोषित। जी हां, बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इस बार 2 रिकॉर्ड बने हैं। कोरोना काल में देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया गया है, परीक्षा के 29 दिन बाद रिजल्ट घोषित किया गया है। इस बार इंटर का रिजल्ट 80.15% रहा है, जो पिछले साल 78.04% की तुलना में 2.11% अधिक है। इंटर का रिजल्ट 2017 के
बाद से लगातार बेहतर हो रहा है। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने इंटर की 70 लाख कॉपियों और 70 लाख ओएमआर सीट का मूल्यांकन मात्र 19 दिनों में किया है। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 24 फरवरी से 10 मार्च तक हुआ है। ऐसे कर बिहार बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बोर्ड कोरोना काल में देश का पहला बोर्ड बन गया है जिसने एग्जाम कराकर रिजल्ट जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में टैक्स फ्री होगा द कश्मीर फाइल्स, विधान परिषद में डिप्टी सीएम ने की घोषणा। जहां कश्मीरी पंडितों के साथ हुई हिंसा और पलायन के पृष्ठभूमि पर बने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग इसके देखने के लिए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। बता दें कि डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद में इसकी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा आज की जाएगी। अगली बड़ी खबर, होली तक 40 डिग्री के पार होगा पारा। 17 मार्च से बिहार में दिखेगा राजस्थान के चक्रवात का असर, 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। यह राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। राजस्थान का हीट कनेक्शन बिहार से भी जुड़ा रहा है जिससे यहां भी पारा 40 के पार जा सकता है। राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से बिहार में 17 मार्च से राजस्थान वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, इससे प्रचंड गर्मी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक प्रति चक्रवात का क्षेत्र स्थापित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति राज्य में गर्मी को बढ़ाने वाली होगी। प्रति चक्रवात के प्रभाव से राज्य में गर्म हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, इससे मौसम शुष्क होने के साथ ही गर्मी बढ़ाने वाला होगा। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में सक्रिय हो रहे प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण बिहार में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। बड़ी खबर, बिहार में होली और सबये बारात के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, मुख्यालय ने दिया आदेश। जी हां, बिहार में होली और सबये बारात को लेकर सभी जिलों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं जिस थाने में जितने बल की आवश्यकता है उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि जिलों में पहले से तैनात पुलिस बल के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 15 कंपनियों की गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर 13,000 से अधिक लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार के वैशाली में बनेगा अनोखा रामायण विश्वविद्यालय, हर तरह के राम कथा और संस्कृत की होगी पढ़ाई। जी भारतीय विरासत और संस्कृत के प्रति गौरव का भाव अब जनमानस में प्रबल होने लगा है। इसका नतीजा कई चीजों में देखने को मिलने लगा है। अब पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर ने भी एक ऐसी पहल की है जिससे जानकर हर भारतीय गौरवान्वित हो सकता है। बता दें कि महावीर मंदिर ट्रस्ट ने एक अनोखे विश्वविद्यालय को खोलने के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क साधा है। इस विश्वविद्यालय का नाम रामायण विश्वविद्यालय होगा। यह सभी तरह के रामायण के अध्ययन की व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में महंगी होगी बिजली, 25 को घोषित होगी नई दर। बिजली कंपनी ने 10% वृद्धि का दिया है प्रस्ताव। जी हां, 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए बिजली दर की औपचारिक घोषणा 25 मार्च को होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दर घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बिजली कंपनी ने आयोग से 10% बिजली का दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। देखना होगा कि आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर बिजली की दरों में वृद्धि करती है या नहीं। आयोग के अधिकारियों के अनुसार कंपनी की ओर से दी गई याचिका पर गहन मंथन हुआ है, आम लोगों से राय ली जा चुकी है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में लोगों ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध किया है। सबों ने तर्क दिया था कि कंपनी अपना नुकसान कम करे तो बिजली और सस्ती हो जाएगी, जबकि कंपनी ने तर्क दिया था कि राज्य के 17 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 साल से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार में बजट सत्र के बाद चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीनों को कब्जे से कराया जाएगा मुक्त। यह भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि राज्य के सभी शहरों से अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। उन्होंने परिषद के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि बुलडोजर चलेगा तो माननीय किसी की पैरवी नहीं करेंगे, न ही इसमें बाधा बने। गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र मार्च तक चलेगा, इसके बाद अप्रैल से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। अगली बड़ी खबर, शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का 20 को लालू की राजद में होगा विलय। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राजद में 20 मार्च को विलय होगा। इसके लिए आयोजन दिल्ली में उनके आवास साथ तुगलक रोड पर होगा। यह जानकारी बुधवार को खुद शरद यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जनता परिवार को एक साथ लाने का प्रयास की पहल है।
कहा कि स्वास्थ्य कारणों से बहुत समय तक वह अपने प्रयासों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कहा कि एक समय था जब 1989 में जनता दल के पास लोकसभा में 143 सीटें थी। पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद विभिन्न सरकारों के गठनों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देश में वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी उत्थान देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम, किसी भी शिकायत पर 0 FIR जरूरी। जहां नीतीश सरकार शराबबंदी समेत तमाम योजनाएं महिलाओं के बेहतरी के लिए की जा रही है, इसी बीच महिला अपराध की शिकायतों को दर्ज नहीं करने के मामले पर भी नकेल कसी जा रही है। अब शिकायत मिलने पर कार्रवाई में पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी। DGP SK सिंघल ने इसको लेकर भागलपुर सहित सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़ित महिलाओं के बयान पर राज्य के किसी भी थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। 0 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उस प्राथमिकों को संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खबर, UPSC टॉपर शुभम समेत 10 IAS को मिला बिहार की सेवा करने का जिम्मा, देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, UPSC परीक्षा 2020 को पास कर चुके उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार को 10 नए IAS मिले हैं। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार को 10 IAS मिले हैं। इनमें से 3 बिहार के ही हैं जिन्हें होम कैडर मिला है और बिहार के 11 IAS को दूसरे राज्यों का कैडर दिया गया है। इसके तहत बिहार के शुभम कुमार, परवीन कुमार और अनिल बसाक को बिहार कैडर मिला है। पर बिहार में अब वाहनों के नंबर प्लेट पर दिखेगा फिटनेस सर्टिफिकेट, मोटर वाहन अधिनियम में हुआ संशोधन। जी हां, अब वाहनों के नंबर प्लेट पर फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किया है। आपको बता दें कि नए नंबर प्लेट के डिजाइन में बदलाव किया गया है। बाइक के प्लेट का रंग नीला होगा। प्लेट की साइज 80 mm लंबी और 45 mm ऊंची होगी। इसमें 3 लेयर में सूचनाएं एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में अंकित करनी होगी। सबसे ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा होगा, उसके नीचे फिटनेस समाप्ति की तारीख, माह व साल अंकित होगी। वहीं सबसे नीचे लेयर में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सारे स्क्रिप्ट पीले रंग में लिखे रहेंगे। आज के लिए आपका सवाल बताए कि देश के हर राज्य में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।